हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमफीबिया में पेरेंटल केयर के बारे में पढ़ेंगे। एमफीबिया में पेरेंटल केयर यानी एमफीबिया में पैतृक रक्षण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पैतृक रक्षण होता क्या है? पैतृक रक्षण जनकों के द्वारा अपने अंडे और बच्चों की तब तक देखभाल करना जब तक कि वे आत्मनिर्भर ना हो जाएं, ये पैतृक रक्षण कहलाता है। टेकिंग केयर और टू गिव मच अटेंशन ऑन एग्स एंड यंग वंस बाय देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। एमपीबीए में पैतृक रक्षण उच्च प्रकार का पाया जाता है। इसे मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो घोंसला बना करके या नर्सरी बना करके या आश्रय बना करके, और दूसरा माता पिता के द्वारा डायरेक्ट केयरिंग करने के। सबसे पहले घोंसला बनाने वाले जो एमपीबीए हैं वो कौन कौन से हैं? वृक्षाश्रय मेढक जिसे हाइला कहते हैं, सीधे जल में अंडे देने के बजाय परपक्षियों की पहुँच से दूर ऊपर लटकती हुई ट्रॉपिकल पेड़ों की टहनियों के ऊपर अंडों को चिपका देते हैं, जैसे कि फाइलोमेडूसा है, इंडियन रेकोफोरस मलावरिकस है, अफ्रीकन कायरोमेंटिस है, हाइलोड्स है। ये ऐसे एम्फीबियन हैं जो वृक्षों पर अंडे देते हैं। दूसरा है डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरीज, यानी अपनी अंडों को या अपने आवास को सुरक्षित बचाना, परपक्षियों से सुरक्षित बचाए रखना। राना क्लीमेंटिस ग्रीन फ्रॉग, नर अपने अंडों को अपने क्षेत्रों का रक्षण करते हैं। छोटे घुसपैठिए का आक्रमण करते हैं। मेंटोफ्राइन रोबस्टा अपने 17 अंडों के जलांडक पर बैठता है और इन्हें अपने हाथों से पकड़े रखता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट एलिथीरोडेक्टाइलस और आर्थ्रोलेपिस और हाइलॉइड्स और हाइला नेबुलोसा में लार्वल मोर्टिलिटी को रोकने के लिए मेढक अंडों को सीधे बच्चे ही निकालते हैं, कोई लार्वा अवस्था उनमें नहीं पाई थी। इसके अतिरिक्त सेलामेंडर प्लीथोडोन साइनेरियस में हैचिंग वयस्कों के समान होती है। फॉर्म नेस्ट, एक जापानी मेढक है रेकोफोरस लेजली में युगल जो हैं वो दोनों ही पेयर, मेल और फीमेल दोनों मिलकर के सुरंग बनाते हैं। और दक्षिण अमेरिकी वृक्षश्री मेढक है लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टेसिनस में मादा फेनिलपिंड बनाती है, जैसे मादा स्लेस निकाल करके अपनी पिछली टांगों से पीट पीट करके फेनिल पिंड बनाती है और एक फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, अनियमित आकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे परपक्षी देख करके भाग जाते हैं और उसके पास नहीं आते और उन अंडे और बच्चों की सुरक्षा हो जाती है, बच जाते हैं वो। मड नेस्ट, कीचड़ के अंदर घोंसला, ब्राजीलियन मेढक है हाइला फेवर, इसमें नर जो है अपने कीचड़ में अपनी पिछली टांगों से मड नेस्ट बनाता है। ये अपनी पिछली टांगों से 30x6 आकार का नेस्ट बनाता है, इसमें अंडों को सुरक्षित रखा जाता है। ट्री नेस्ट, दक्षिण अमेरिकी वृक्षश्री मेढक है फाइलोमेडूसा लेप्टोकॉन्ड्रिल में मादा अपने अवस्कर से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकालती है, इससे पत्तियों को चिपका करके एक घोंसला बनाया जाता है, इसमें अंडे देती है। हाइला रेजिनफ्रिक्स एक ऐसा मेढक है जो मधुमक्खी के छत्ते से मोम लेकर के और पेड़ के तनों पर बने हुए जो गर्त हैं उनको लीपता है, उन पर आवरण बनाता है उसका, जिससे उसमें वर्षा जल भर जाता है और उस वर्षा जल के अंदर वो अंडे देता है। जिलेटिनस बैग्स, कुछ अंडे ऐसे होते हैं जैसे कि फ्राइनेक्सलस विरोई में मादा एक कबाब के थैले जैसा बैग बनाती है, इसमें अपने अंडे देती है। मेढक सेलामेंड्रा किसिरलिंगी में मादा एक जिलेटिनस बैग बनाती है और उसमें 50-60 अंडे देती है, ये जिलेटिनस बैग होते हैं। कुछ एम्फीबियन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट केयरिंग करते हैं, यानी डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, जैसे कॉइलिंग अराउंड द एग्स, इक्थियोफिस और एम्फ्यूमा कॉन्गो ईल, ये अपने अंडों के चारों ओर कुंडलन बना करके और सड़ी गली लकड़ी पोल या चट्टान के नीचे रहते हैं। इसके अतिरिक्त मेगालोबेट्राकस मैक्सिमस में नर अपने अंडों के चारों ओर कुंडलन बना लेता है। दूसरा है टेडपोल का जल में स्थानांतरण, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ट्रॉपिकल स्मॉल फ्रॉग फाइलोवेटस और ऑर्थ्रोलेपिस पीलोवेटस डेंड्रोवेटस मेढक अपने अंडों को पीठ से चिपका करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और दूसरे जल में छोड़ देते हैं। मेलन सेलामेंडर है वो अंडों को अपने गर्दन के चारों ओर हंसली के समान पहन करके लटका लेता है। और इसके अतिरिक्त श्रीलंकन ट्री फ्रॉग है रेकोफोरस रेटिकुलेटस, इसमें मादा अपने उदर से चिपकाए रखती है अंडों को, जैसे वो परपक्षियों से सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे ये एक्थियोफिस है, ये एक्थियोफिस का रियल फोटोग्राफ है जिसके अंदर पेरेंटल केयर इन एक्थियोफिस, ये एक्थियोफिस का एक राइबन एम्ब्रियो है, ये एक फीमेल है जो अंडों को चारों ओर कुंडलन बना करके और उसमें रहती है,
ये अंडों का एक क्लस्टर है, गुच्छा है, जिसके अंदर इस प्रकार के गुच्छे बनते हैं, निकाले जाते हैं इसके द्वारा। और ये एक एग है जिसमें ये साइडों में दोनों में चेलेजा दिखाया गया है और एक गोलाकार अंडा है। इसमें कुछ फ्रॉग हैं जैसे एलाइटिस है, ये पाइपा अमेरिकाना है, और ये डार्विन फ्रॉग है, ये एलाइटिस। ये कुछ अंडे हैं जिनमें स्किन के अंदर कुछ गर्त बने हुए होते हैं, उसके अंदर अंडों को सुरक्षित रखते हैं और अपने साथ साथ लिए लिए तब तक घूमते रहते हैं जब तक कि उनमें से बच्चे और लार्वा नहीं निकल आते हैं। एलाइटिस ऑप्टेरिकेंस यानी नर्स टोड अपने अंडों को अपनी पिछली टांगों के बीच में फंसा करके रखता है और उनको तब तक लिए लिए घूमता है जब तक कि उनमें से लार्वा या बच्चे बाहर निकल कर नहीं आते। ब्लैक पाउचेस, मार्सुवियल फ्रॉग है एक, अपने अंडों को अपनी पीठ पर लेकर के और खुले अंडाकार गर्त में रखती है और बंद धानी या खुली कोटरियों में अंडों को वो रखती है। हाइला जियोल्डी और क्रिप्टोब्रेंकस इवांसी, ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग अपने अंडों को पीठ पर खुली ब्रूड धानी में रख लेता है और उनको लेकर के घूमता है। पाइपा अमेरिकाना जिसे सूरीनाम टोड भी कहते हैं, वो मादा अपनी पीठ पर अंडों को दबा करके रख लेता है और उनको लिए लिए तब तक घूमता है जब तक कि उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। अन्य अदर ऑर्गन्स, अन्य ऑर्गन हैं जैसे राइनोडर्मा डार्विनी है नामक एक दक्षिण अमेरिकी नर मेंढक है, उसमें जनन काल में अपने वाक कोषों को भ्रूणधानी के रूप में बना लेता है, भ्रूणधानी के रूप में अपने वाक कोषों को प्रयोग करता है और इसमें 10 या 15 निश्चित अंडे परिवर्धन पूर्ण होने तक रखे जाते हैं और तब तक उनको अपने वाक कोष के अंदर ही रखता है, तब तक वो खाना पीना नहीं खाता। दूसरा एक है हाइलाबेटस ब्रेविसेप्स की मादा अपने अंडों को मुखगुहा में रख लेती है, अपने मुंह में अंडों को रख करके तब तक लिए घूमती है उनमें से तब तक कि वो बच्चे हैचिंग करके और उनमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। ये संख्या में कम किंतु आमाप में बड़े होते हैं ये अंडे। और एक ऑर्थ्रोलेपिस है, उसका नर अपने डिम्बकों को मुख में रख करके घूमता रहता है जब तक कि वो बच्चे उसमें से नहीं निकल जाते और आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। ये पाइपा अमेरिकाना है जिसकी पीठ पर ये अंडों के दसे हुए हैं और ओपरक्यूलम के द्वारा ढके हुए हैं। ये हाइला है, हाइला अपने अंदर अपनी स्किन का कलर भी ऐसा ही बना लेता है कि जैसे अंडे हों, तो परवक्षियों को धोखा देने के लिए ये इस प्रकार के करता है। ये एलाइटिस है जिसमें अपने पिछली टांगों के बीच में अंडों को लेकर के और वो घूमता रहता है जब तक कि उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। ये राइनोडर्मा डार्विनी है, वो जो अपने वकुल कोड में अपने बच्चों को रख लेता है और अपने परवक्षियों से उनकी सुरक्षा करता है। ये डेस्मोग्नेथस फ्यूकस जिसे ये एक मलिन सेलामेंडर जिसे जो अपने अंडों को माला के रूप में अपनी गर्दन की चारों लपेट लेता है और उनको लिए लिए तब तक घूमता है जब तक कि उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। तो पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया में हम इसका निष्कर्ष इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उपरोक्त वर्णन से ये निष्कर्ष निकलता है कि एम्फीबिया में पैतृक रक्षण उनकी प्रजाति को बचाने का एक प्रयोजन मात्र है, जिसमें वे कम संख्या में अंडे देने के कारण उन्हें अपने आवास में पाए जाने वाले परवक्षियों से बचाने का प्रयास करते हैं। इसकी दो तरीके से व्याख्या की जा सकती है। एक तो ये कि ये प्रकृति में एम्फीबियन में पैतृक रक्षण उनकी अपनी प्रजाति को बचाने का व्यवहारिक और यांत्रिक कारण है जो हार्मोनल एक्शन के द्वारा प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, जो हार्मोनल एक्शन के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा ये कि अपने अंडे और बच्चों की सुरक्षा करना एक प्रकार का प्रतिवर्ती या जन्मजात गुण होता है इन उभयचारियों का, जो उभयचारियों में प्रजनन काल में ही दिखता है और ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा सार्थक लगता है। इसी के साथ एम्फीबिया में पेरेंटल केयर खत्म। थैंक यू वेरी मच।